टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। फ्लाईओवर ब्रिज से बाइक सवार कैसे गिरा नीचे और कहां डंपर ने रोड के किनारे सो रहे 22 मजदूरों को कुचल दिया। पुलिस ऑफिसर का गला कैसे मांझे से कटा। तांडो सीरीज पर जलाए जा रहे हैं कहां पुतले। गांजे के साथ 3 आरोपी कैसे हुए गिरफ्तार। ये सब देखिए खबर हमारे आज के टॉप 5 में। अगर सबसे पहले हम आपको भिवंडी की खबर सुनाते हैं। भिवंडी के राजीव गांधी फ्लाईओवर ब्रिज से एक बाइक सवार नीचे गिर गया। जानकारी के मुताबिक भिवंडी से थाने की तरफ ये बाइक सवार आ रहा था और पीछे से आ रही कार की टक्कर लग जाने की वजह से बाइक सवार फ्लाईओवर से नीचे रोड पर आकर गिरा। ये घटना की तस्वीरें हैं। बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और घायल स्थिति में युवक को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती किया गया है जहां हालत उसकी गंभीर बताई जा रही है। वहीं गुजरात के सूरत में रोड के किनारे फुटपाथ पर सो रहे 22 लोगों को डंपर ने कुचल दिया है, जिसमें 14 लोगों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। 8 लोग जख्मी हैं जिनका सूरत के समीर अस्पताल में भर्ती किया गया है। सभी 22 लोग मजदूर थे, रात के समय फुटपाथ पर सो रहे थे और डंपर चालक का संतुलन बिगड़ गया। सड़क किनारे सो रहे मजदूरों पर डंपर चढ़ गया। हादसे पर पीएम मोदी और गुजरात के सीएम विजय रूपानी और राजस्थान के अशोक गहलोत ने भी दुख जताया है। केंद्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया। वही मुंबई के जेजे अस्पताल के पास एक असिस्टेंट पुलिस ऑफिसर के गले में नायलॉन का मांझा फंस गया। वक्त रहते अधिकारी को मदद मिली और उसे अस्पताल पहुंचाया गया। वर्ली पुलिस स्टेशन के पुलिस ऑफिसर राकेश गौली कोर्ट जा रहे थे और तभी जेजे अस्पताल के पास पहुंचते ही नायलॉन का मांझा गले में फंस गया और उनके गले में जख्म हो गया। मौके पर मौजूद ट्रैफिक हवलदार और अन्य राहगीरों ने इंस्पेक्टर राकेश गौली को इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। वही तांडव वेब सीरीज पर मचा तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है और भी आक्रामक रूप लेता जा रहा है। FIR दर्ज होने के बाद भी हिंदूवादी संगठन विरोध कर रहे हैं। कहीं वेब सीरीज पर नारेबाजी हो रही है तो कहीं पुतले जलाए जा रहे हैं। देश भर के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आरोप है कि वेब सीरीज में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है, इसलिए देश भर में इस वेब सीरीज के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतले जलाए जा रहे हैं। दहिसर पुलिस ने गुप्त जानकारी पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 1,60,000 रुपये भी बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपियों के नाम है इकलाख अब्बास 24 वर्षीय जो नाला सुपारा का रहने वाला है और जिक्रुल्लाह आलम 21 साल मोतिहारी बिहार का रहने वाला है। शमसाद अब्दुल खैर 31 वर्ष जो वसई पालघर का रहने वाला है। पुलिस ने इन्हें मादक पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया और मादक पदार्थ जब्त करने के बाद तीनों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।